गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू नानसी एजुकेशन हब। टुडे वी विल टॉक अबाउट मल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि मल न्यूट्रिशन होता क्या है और मल न्यूट्रिशन से कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो, मल न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है और डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, दैट विल टॉक इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि मल न्यूट्रिशन होता क्या है, कि ऐसे मतलब कि न्यूट्रिशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। सपोज दैट वी आर टेकिंग डाइट, वी आर ईटिंग फूड, अपन खाना खा रहे हैं, अपन डाइट को ले रहे हैं, बट डाइट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, या फिर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर है, या फिर न्यूट्रिएंट्स का जो रेशियो है वो इम्बेलेंस्ड है, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज मल न्यूट्रिशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज माल न्यूट्रिशन, इसको माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हो, या फिर न्यूट्रिएंट्स का रेशियो जो है इम्बेलेंस्ड हो, ओके, एक प्रॉपर रेशियो नहीं हो, दैट कंडीशन इज नोन एज मल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। नंबर वन इज द अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन, नंबर सेकेंड इज ओवर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन, एंड नंबर थर्ड इज इम्बेलेंस्ड न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले अपन जो है अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन होता क्या है। ऐसा मल न्यूट्रिशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हो रही हो, डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स की जो है डेफिशिएंसी हो, मे बी द प्रोटीन इज नॉट इन सफिशियंट अमाउंट, मे बी द कार्बोहाइड्रेट इज नॉट इन सफिशियंट अमाउंट, मे बी द लिपिड, मे बी द वाइटामिन, मे बी द मिनरल्स, अगर ये सारे के सारे इनकी जरूरत से कमी पड़ रही है, वी कैन से जितनी नीड है उतनी अमाउंट के अंदर नहीं है, दैट कंडीशन इज नोन एज अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन। ओके, सेकेंड बात करते हैं अपन ओवर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि वी आर टेकिंग टू मच ऑफ फूड, अपन बहुत ज़्यादा फूड खा रहे हैं और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, बट न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सेसिवली है, जितनी अपन को नीड नहीं है, नीड से ज़्यादा ही जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के अंदर अपन पढ़ने वाला है एक डिसऑर्डर है, दैट इज ओबेसिटी, दैट इज ओबेसिटी, दैट इज अ काइंड ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। इसके बाद में थर्ड अपन बात करेंगे इम्बेलेंस्ड न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, राइट, द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द डाइट, बट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन ए डेफिनेट अमाउंट और डेफिनेट रेशियो। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो हैं, ऐसा फूड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो हैं, बट न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक प्रॉपर रेशियो नहीं है, या तो जरूरत से ज़्यादा हो सकता है या फिर जरूरत से कम हो सकते हैं, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज इम्बेलेंस्ड न्यूट्रिशन, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज इम्बेलेंस्ड न्यूट्रिशन। अब इनके अंदर जिसकी भी डेफिशिएंसी से जो डिजीजेस कोज हो रही हैं उनमें से अपन कुछ डिजीजेस की बात करने वाले हैं, दोज आर मैंशनड इन योर बुक, दोज आर मैंशनड इन योर बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट क्वासी ओरकर, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट क्वासी ओरकर। दिस इज अ डेफिशिएंसी डिजीज एंड दिस इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, दिस इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ऑलराइट। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कोज होती है और इसके अलावा बेसिकली छोटे बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, जो बच्चे 1 से 3 साल के होते हैं, दो आर इन बिटवीन वन टू थ्री ईयर्स, ऑलराइट। इस डिजीज के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो छोटा बच्चा है दैट इज सफरिंग फ्रॉम क्वासी ओरकर, उसके जो है हाथ पांव ऑटोमेटिकली पतली पड़ने लग जाते हैं, स्टमक जो है बाहर निकलने लग जाता है, ब्लोटेड स्टमक हो जाता है, आईज जो है वो संकीन हो जाती हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है, तो और भूख भी थोड़ी कम लगती है उस वाली कंडीशन के अंदर। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्वासी ओरकर, राइट। दिस इज अ प्रोटीन डेफिशियंसी डिजीज, कौन सी डेफिशियंसी डिजीज है ये, प्रोटीन। इसकी बाद में हम बात करते हैं मैरस्मस, सेकेंड डिजीज इज मैरस्मस, दैट डिजीज इज कोज्ड बाय डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, दैट डिजीज इज कोज्ड बाय डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट,
दो की डेफिशिएंसी से कोज हो रही है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों ही, इफ बोथ आर अनेबल इन द डाइट, बोथ आर एब्सेंट इन द डाइट, इन दैट केस द किड्स विल सफर फ्रॉम मेलास्मस. दिस डिजीज इज ऑल्सो फाउंड इन द किड्स दो आर बिलो वन ईयर, जो कि एक साल से क्या हो, छोटे हो, उनके अंदर देखने को मिलता है. एंड द सिम्टम्स आर क्वाइट कॉमन टू द क्वासी उर्कर, भूख कम लगती है, ब्लोटेड लेग्स हो जाते हैं, ब्लोटेड स्टमक हो जाता है, लेग्स और जो हैंड्स हैं वो पतले पड़ने लग जाते हैं, आईज संकीर्ण हो जाती हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है. ये सारी की सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं किसके अंदर, मेलास्मस के अंदर. इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सोथैल्मिया और एक्सोथैल्मिया. एक्सोथैल्मिया जो है एक वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है. दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ए. ये डिजीज जो है वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है. इसको जो है इसके अंदर जो है अपन को रात को थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, क्लियर विजन नहीं होता है, और वी कैन से द आईज आर सराउंडेड बाय डार्क सर्कल्स. आईज के चारों तरफ क्या होने लग जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. दैट डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ए एंड द नेम ऑफ डिजीज इज एक्सोथैल्मिया. द पी इज साइलेंट इन दिस वर्ड, राइट. इसके बाद में बात करते हैं एनीमिया. एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द आयरन और मिनरल, दैट इज द फेरस. फेरस की डेफिशिएंसी से होता है. अगर फेरस की डेफिशिएंसी है ऑब्वियसली ब्लड प्रोडक्शन के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा. हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो जो है ऑक्सीजन या CO2 की प्रॉपर जो है सप्लाई नहीं हो पाएगी. CO2 तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी एक्जैक्ट वे के अंदर, और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सब नहीं जा पाएगी. सो दैट कंडीशन इज द एनीमिया. एनीमिया बेसिकली कॉज टू द डेफिशिएंसी ऑफ फेरस आयन. ऑलराइट, दैट इज द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज. अब बात करते हैं गोइटर और गोइट्री. गोइटर डिजीज जो है दिस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली जो थायरॉइड ग्लैंड्स हैं दीज आर स्वेलन, और गले के चारों तरफ जो है एक मोटी सी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है. दैट इज द गोइटर डिजीज. इसके अलावा एक डिजीज रखी है, एक और रखी है, दैट इज द ओबेसिटी. ओबेसिटी जो है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट डिजीज है. न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ही जो है मात्रा हो गई है, और मेनली किसकी हो गई है, फैट. इन द डाइट वी आर टेकिंग टू मच ऑफ फैट. अगर डाइट के अंदर अपन बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं उस वाली कंडीशन के अंदर अपन ओबेसिटी से सफ़र करते हैं, और ओबेसिटी से सफ़र करने वाले लोगों के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, लाइक बीपी लो, बीपी हाई, चक्कर आना, ये सारी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं किसके अंदर, ओबेसिटी के अंदर. सो ओबेसिटी से अगर इफ यू वॉन्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम ओबेसिटी वी नीड टू टेक बैलेंस डाइट. अपन को जो है बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर हो. ऑलराइट, तो अपन ने बात कर लिया है मॉल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के अंदर अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसके अलावा खांसी और उर्कर डिजीज के बारे में देख लिया है, मेलास्मस के बारे में, एक्सोथैल्मिया, एनीमिया, गोइटर एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी के बारे में भी देख लिया है. ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मॉल न्यूट्रिशन एंड द डेफिशिएंसी डिजीजेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू इन द लेक्चर. ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.